सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है एंड आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी आई होप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन में कट ऑफ प्रीवियस ईयर में कितना गया हुआ था, किस जोन में, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था ट्रेड वाइज, साथ ही साथ इस बार कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी और एसटी में, साथ ही साथ इस बार के कट ऑफ को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करेंगे जिसकी वजह से कट ऑफ पिछली बार से हाई या लो हो सकता है, उसके बारे में भी यहां पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक अगर आप नहीं करेंगे तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए एंड ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे इसमें, उससे पहले यहाँ पर एक हम भी बेहतरीन बुक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बुक से ज़्यादा इसके बाद हम आपको एक पीडीएफ शो करने वाले हैं जिससे आप अपना 15 से 20 दिन के अंदर रेलवे एग्जामिनेशन ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, उसकी रीजनिंग का आप 100% पूरा रिवीजन कर पाएंगे और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी की बुक्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। अब आपने अगर ये बुक आपके पास पहले से है तो आपको तैयारी कैसे करनी उसको हम आपको यहाँ पर शो करेंगे। ये किसी भी एग्जाम में अगर हमको ज़्यादा नंबर्स स्कोर करने हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका कितना वेटेज है, कितने इजी क्वेश्चंस आएंगे, कितने मॉडरेट से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसका हमें पूरा पता होता है तो हम आसानी से अपना रिवीजन भी कर पाते हैं और बेहतर स्कोर भी कर पाते हैं। तो ये एक सुपर रिविजन सीरीज़ यहाँ पर किरण पब्लिकेशन ने स्टार्ट की जिसमें आप 15 से 20 दिन में अपना रीजनिंग का पूरा रिविजन कर पाएंगे। सभी वैरायटी के इसमें क्वेश्चन मार्क जो है कर दिए गए, कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कौन सा किस लेवल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का रेशियो कम है, मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चन जो है उनका रेशियो यहां पे ज्यादा रखा गया है। ठीक है, तो इससे आप क्या होगा, टू द पॉइंट आप पढ़ाई करेंगे और कम समय में आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले आप देखे थे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की अगर बात करें तो इस चैप्टर से सभी जो क्वेश्चन है वो 3 दिन में आप कवर कर लेंगे, सिर्फ 12 घंटे, यानी 3 दिन में आप 4-4 घंटे पढ़ाई करिए, 12 घंटे में आप कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर का वेटेज आप देखिए एग्जाम में 9% रहता है, यानी इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा थोड़े पूछे जाते हैं बाकी चैप्टर की अपेक्षा। साइथ इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन जैसे हो गए तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स आपको दे दिए गए, इन क्वेश्चन नंबर को आपको अपनी बुक में मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना, इनको आपको बार बार सॉल्व करना है। जो भी आप उसमें कन्फ्यूजन हो उसे आप बार बार सॉल्व करके देखिए क्या है। टाइप 2 के क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्या होंगे, टाइप 1 देखिए क्या है, सभी वैरायटी के क्वेश्चन, टाइप 2 मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन, एंड यहाँ पे 3 क्या है, इजी क्वेश्चन हैं जिनका रेशियो यहाँ पे कम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप 3 देखेंगे, फिर टाइप 4 के भी क्वेश्चन हैं, टाइप 5 के क्वेश्चन हैं एनालॉजी में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, साथ में इन्हें यहाँ पे मार्क भी किया गया है कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लड रिलेशनशिप देखें तो 5% इसका वेटेज है, इसको आप सिर्फ 2 दिन में 5 से 6 घंटे में कवर कर सकते हैं, इनके भी क्वेश्चन से यहाँ पे मार्क हो गए हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा टेक स्टडी आईटीआई से, या डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है वहाँ पे आप जाके किक्स का टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक्स अगर नहीं परचेज की तो परचेज कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के कट ऑफ की बात करेंगे कि 2018 की जो भर्ती थी उसमें कितना कट ऑफ गया हुआ था। आप सभी जोन का यहाँ नाम देख पाएंगे, इसके आगे हमने आप सबके लिए कट ऑफ मेंशन कर दिए, इनका हमने सबका पीडीएफ भी डाउनलोड किया, उसमें से हमने इन कट ऑफ को जो है लिस्ट आउट किया है आप सबके लिए। तो अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यहाँ पर बात करें तो टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आप देखेंगे अहमदाबाद का अगर आप कट ऑफ देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 46 नंबर पे सिलेक्शन हुआ, ये 100 में से हम बात कर रहे हैं। और 2018 में आप सबको पता है CBT 1 CBT 2 दो एग्जाम कंडक्ट हुए थे, बट इस बार सिर्फ एक एग्जाम आपका कंडक्ट होगा तो आपको थोड़ा हायर साइड नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 48.28 OBC में, 42.94, 35.28 पे सिलेक्शन ST कैटेगरी में हो गया था। इसी तरह अगर आप अजमेर देखें तो 59.89 में अनरिजर्व कैटेगरी, 59.10 OBC, 52.20 24 में यहाँ पे SC एंड 50.36 में ST कैटेगरी में सिलेक्शन मिला था। ये आपका कट ऑफ स्कोर था 2018 की भर्ती में। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ से वैकेंसी भी कम थी और फॉर्म भी, नंबर ऑफ फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ फायर साइड देखने को मिल रही है जिसमें 70.63, 68.59, 59.95 या 58 के आसपास यहाँ कट ऑफ ST कैटेगरी में देखने को मिली थी। बेंगलोर की भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिली थी, भोपाल में भी आप देख सकते हैं 70 के आसपास कट ऑफ गई थी। ठीक, भुवनेश्वर की बात करें 74 गई थी, 75 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन हुआ था रिजर्व कैटेगरी में, आप देख सकते हैं। इसी तरह बिलासपुर, चंडीगढ़,
चेन्नई, सभी का आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात कर रहे हैं, 2018 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितनी कट ऑफ गई थी। इसके बाद हम जो बाकी ट्रेड हैं फिटर उसकी बात करेंगे, एंड अन्य जो ट्रेड हैं उनका भी एक सेफ स्कोर हम आपको इस बार बताने वाले हैं, साथ ही साथ वो फैक्टर भी हम बताएंगे क्यों आपको इस बार ज़्यादा नंबर्स स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट अगर आप देखें गोरखपुर में, तो गोरखपुर में 60.13, 57.94, 45.99 या 44.45 कट ऑफ गई थी। इसी तरह अगर आप कोलकाता या मालदा का देखें तो यहाँ पे भी आपको लगभग कट ऑफ वही देखने को मिल रही, 66, 62, 56, ठीक 52। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कैटेगरी वाइज डिफरेंस थोड़ा कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, और डिपेंड करता है कितने उस कैटेगरी में फॉर्म भरे गए एंड उस कैटेगरी में वैकेंसी कितनी थी। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कट ऑफ को डिसाइड करती हैं किसी भी भर्ती में। तो ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रीशियन की। अगर आप ऑन ऑन एवरेज देखेंगे तो लगभग ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया होगा, ठीक है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें कुछ जोन छोड़ के, ठीक है। इसी तरह बाकी रिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे तो लगभग 55 प्लस 60 प्लस ही स्कोर करने वाले रिजर्व कैटेगरी में भी सेलेक्ट हुए हैं। एससी एसटी में 60 के अंदर भी स्कोर करने वाले छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अगर जनरल वे में आप देखेंगे, क्योंकि हर भर्ती अलग होती है, हर भर्ती में नंबर ऑफ फॉर्म अलग होते हैं, नंबर ऑफ सीट अलग होती है, जिस वजह से कट ऑफ भी प्रभावित होता है। इस बार तो एग्जाम पैटर्न भी आपका बदला हुआ है। अब अगर बात करें फिटर ट्रेड की, फिटर ट्रेड में आप देखें तो अहमदाबाद में 43.73 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 31.87 पे हुआ, एससी में 44 चली गई कट ऑफ, यहाँ 32 चली गई, ठीक है। अजमेर की बात करें तो 62.88, 59.22, 47 या 59.95, यहाँ देखिए एसटी कैटेगरी में कट ऑफ हाई हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ देखेंगे प्रयागराज का हो गया, बेंगलोर का हो गया, भोपाल का हो गया, भुवनेश्वर का हो गया, बिलासपुर का हो गया, सभी का आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगा कि फिटर ट्रेड में कितना कट ऑफ 2018 में गया था, ठीक। आगे के अगर जोन की बात करें तो गोरखपुर का भी आप देख सकते हैं 52 पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 52.38 पे हुआ, एससी में 30 नंबर पे हो गया सिलेक्शन, 30.90 पे, एसटी में 31.12 पे भी सिलेक्शन हुआ है टेक्नीशियन में। गुवाहाटी में देखिए कितना कम कट ऑफ गया है, ठीक है। गुवाहाटी जोन का अगर आप बात करें तो 42 नंबर पाने वाले छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। जम्मू में आप देखिए अनरिजर्व में कम गया है, कोलकाता में कट ऑफ हाई गया, मालदा में कट ऑफ फिर से हाई गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फिटर का कट ऑफ। इसी तरीके से वेल्डर का भी हमारे पास कट ऑफ था, जिसका हम यहाँ पे जनरलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और इन दोनों कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रेड होते हैं, इनकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है। अगर इन दोनों ट्रेड में इतना यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है तो जो पॉपुलर ट्रेड है इसमें कट ऑफ थोड़ा हायर साइड जाता है। अब अगर बात करेंगे वेल्डर की या जो अन्य ट्रेड है उसमें, तो उसमें कट ऑफ इनसे थोड़ा लोअर साइड रहती है, 4 से 5 नंबर तक का डिफरेंस उसमें रहता है। अगर आपका वो ट्रेड है तो सभी जोन में लगभग आप देखेंगे 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो ऐसे ट्रेड हैं उनकी वैकेंसी भी किसी जोन में ज़्यादा रहती है, जैसे इस बार वेल्डर की वैकेंसी सिर्फ चेन्नई में ज़्यादा है, बाकी जगहों पर आपको वेल्डर की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी यहाँ पर काम करते हैं। अब इसमें हम बात करें अगर आप सबसे कि इस बार का सेफ स्कोर क्या रहेगा या इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक, तो उसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स देखने होंगे जो पिछली बार से इस बार में चेंज हुए हैं। सबसे पहले इस बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न बदला है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न बदलने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले पैटर्न CVT 1 था, उसको जो क्वालिफाई किया, फिर CVT 2 आपका होता था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट फिल्टर हो जाते थे जो हो सकता है CVT 2 में अच्छा स्कोर कर सकते थे। कई बार होता है आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ CVT 1 है, सभी जी जान से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। दूसरा फैक्टर एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, सब्जेक्ट जो है आपके उसमें भी बदलाव हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न में भी क्या हुआ, इस बार चेंजेज किए गए हैं। एक सब्जेक्ट आपका जो पहले पूछा जाता था वो इस बार नहीं रखा गया है, तो उसकी वजह से भी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे कट ऑफ प्रभावित होगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर ऑफ पोस्ट। पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 33,000 के आसपास पोस्ट थी, 30,000 प्लस वैकेंसी थी, इस बार आपकी वैकेंसी सिर्फ अप्रॉक्स 13,000 है, ठीक, 10,000 प्लस आप मान लीजिए पिछली बार की आधे से भी कम वैकेंसी है, और नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा आए हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आई है, एज में भी 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिला हुआ है, तो कट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये भी कट ऑफ को बढ़ा देंगी काफ़ी, ठीक है। चौथा एक फैक्टर और जो शायद आपसे कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो है 2018 की भर्ती को लें या अभी की भर्ती को लें,
अब में और तब में, पहले था ऑफलाइन कोचिंग्स थी, ऑनलाइन कोचिंग बहुत कम अवेलेबल थी, जो कैंडिडेट अपने मोबाइल फ़ोन और कहीं से पढ़ पाते थे। लाइब्रेरी, नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी कम हुआ करती थी, अभी नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी हर तरफ खुलती जा रही हैं, सभी कैंडिडेट लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, सब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब हर तरीके से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, बुक्स से भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स भी ज्वाइन किए हुए हैं। मीन्स इस समय अगर आप देखें तो कंपटीशन कहीं ना कहीं पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये 4 से 5 फैक्टर ऐसे हैं, प्लस नंबर ऑफ़ वैकेंसी, इतनी बेरोज़गारी, ये सब चीज़ें जो होंगी ना, ये आपके कट ऑफ को बढ़ाने वाली हैं। तो अब अगर यहाँ सेफ़ स्कोर की बात करें कि सेफ़ स्कोर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेफ़ स्कोर अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के सेफ़ स्कोर की, तो इतना आप मान के चलिए आपको कम से कम, ठीक है, वैसे तो 68 हम लिख सकते हैं, बट हम आपको कहेंगे आपको 70 से कम 75 नंबर के बीच में स्कोर करना होगा, यानी आपको 70 प्लस नंबर लाने की कोशिश करनी होगी, तब आप सोच सकते हैं इसमें टेक्नीशियन में सेलेक्ट होने के लिए। ये इन जनरल हम बता रहे हैं, किसी में कम जा सकते एक दो नंबर, किसी जोन में ज़्यादा भी जा सकते एक दो नंबर। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी और जनरल में बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला, आप ये मान के लिए आपको भी 65 से 70 या 72 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। एससी एसटी के केस में अगर हम बात करें तो एससी एसटी को यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है नंबर में, मींस आपको भी, लेकिन यहाँ कम से कम 58 से 62 नंबर, 60 नंबर तक प्लस आपको भी यहाँ पे स्कोर करने की सोचनी होगी, यानी 55 से 62 64 के बीच में आपको स्कोर करने का टारगेट रखना होगा। ये बात हुई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। ऐसा ही कुछ आपका फिटर ट्रेड में भी रहने वाला है, क्योंकि दोनों उतने ही पॉपुलर ट्रेड हैं, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग बराबर ही रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे वेल्डर ट्रेड या जो अनकॉमन ट्रेड है उनकी, ठीक है, स्पेशली वेल्डर ट्रेड की अगर बात करें, इसमें छात्र भी कम रहते हैं, वैकेंसी भी कम रहती है। तो यहाँ पे जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में सेफ स्कोर होगा वो लगभग आपका जो है 64 से 68 नंबर तक हो सकता है। सारे फैक्टर लगभग आप कंसीडर करेंगे, ओवरऑल जो हमने देखा भी पिछली साल का कट ऑफ, तो इतना लगभग आपका जो है यहाँ पे सेफ स्कोर रह पाएगा। ओबीसी में अगर बात करें तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 60 से 65 66 के बीच में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एससी एसटी की अगर बात करें तो 55 से 60 में भी आप वेल्डर में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रेड जो कॉमन ट्रेड हैं, साथ ही साथ जो थोड़े से अनकॉमन ट्रेड भी हैं, उनका कट ऑफ था जो कि आपका सेफ स्कोर इस बार रह सकता है। बाकी जोन वाइज उसमें थोड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डेटा देखेंगे पिछली साल का, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का ही आपको डिफरेंस दिखेगा, अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे सभी जोन का, तो आपको बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखेगा एक दो जगहों को छोड़ के, बाकी जगहों पर लगभग 2 से 4 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये तब है जब नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा थी, नंबर ऑफ़ लाइब्रेरी कम हुआ करती थी, नंबर ऑफ़ ऑनलाइन क्लासेस कम ज्वाइन किए हुए थे कैंडिडेट, तब की ये कट ऑफ है। और सीबीटी भी 2 होता था, अभी आपका सीबीटी एग्जाम भी 1 होने वाला है, ठीक, टॉपिक्स भी थोड़े से बदले गए हैं, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ आपका हायर साइड जाएगा। तो उसके हिसाब से अपनी बेस्ट तैयारी आप लोग कीजिएगा। रिवीजन जैसा हमने बताया, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग, बेहतर बुक है रीजनिंग की, मैथ की, सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, हमने भेजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उनको आप हाईलाइट करके मार्क करके अपना बेस्ट रिवीजन कीजिएगा। और ये मौका, ऐसा एग्ज़ाम मौका बार बार नहीं आता है, आपका एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं, बैक आएगा फिर आप दे देंगे, यहाँ फेल होने पे फिर आप अंदर से भी टूट जाते हैं और आपका हौसला भी थोड़ा डाउन होता है। इस वजह से जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके एग्ज़ाम से पहले, उतनी मेहनत आप लोग कर लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट ना हो, थोड़ा और पढ़ लेते तो शायद 1 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता और मेरा सिलेक्शन हो जाता इस बार। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एंड हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखिएगा, हम वहां पे आपके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।